दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट टाइम ट्रैवल मूवीज़। अभी तक मैंने इसका एक पार्ट पहले ही कवर कर लिया है, उसके अंदर मैंने कुछ मूवीज़ बताई थी 10 मूवीज़, वो भी हिंदी में हैं। और इस लिस्ट में मैं नेक्स्ट 10 मूवीज़ को कवर कर रहा हूँ, ये भी हिंदी में आएंगी। कुछ मूवीज़ इसकी इंग्लिश में आएंगी, वरना ज़्यादातर मूवीज़ की हिंदी में आएंगी। इसके अंदर मैंने 2019 की भी कुछ मूवीज़ को इंक्लूड किया है, जो कि कमाल की टाइम ट्रैवल मूवीज़ होंगी, आपको बहुत पसंद आने वाली है वीडियो, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों हमारी सबसे पहली मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज, ये मूवी आई थी 2016 में। ये एक सुपर हीरो मूवी हैगी, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ एगामोटो का यूज़ करके टाइम ट्रेवल करते हैं और डोरमामू को हराते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बहुत ही शक्तिशाली विलन हैगा, उसको वो उस टाइम ट्रेवल डिवाइस की मदद से हराते हैं। और इसके अंदर आपको बहुत सारा टाइम ट्रेवल दिख जाएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। दोस्तों हमारी सेकंड मूवी है हैरी पॉटर एंड द प्रिजन ऑफ एस्काम्बा, ये हैरी पॉटर यूनिवर्स का ही पार्ट है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हैरी पॉटर कैसे टाइम ट्रैवल करता है और पास्ट के इवेंट्स को और फ्यूचर के इवेंट्स पे उसको उस पर क्या फ़र्क पड़ता है और कैसे वो उसको चेंज करता है, ये सब आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर टाइम ट्रैवल मैजिक की मदद से किया गया है और काफ़ी कमाल की मूवी है, आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी, इसको आप जरूर देखिए। दोस्तों हमारी थर्ड मूवी है टाइम ट्रैप, ये मूवी आई थी 2017 में। एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मतलब कह सकते हैं कि कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग एक केव के अंदर जाते हैं, गुफा के अंदर, और वहाँ पे वो अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपने का सामना करते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह वो सोचते हैं उस तरह समय वर्क ही नहीं करता, वहाँ पे समय बिल्कुल अलग ही तरह से वर्क करता है। उसका क्या उस गुफा से वो निकल पाएंगे या नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना। ये हिंदी में है ये मूवी, आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी, इसको आप अवश्य देखें। दोस्तों हमारी फोर्थ मूवी है प्री डेस्टिनेशन, ये कमाल की टाइम ट्रैवल मूवी है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि टाइम कितनी बुरी तरह वर्क कर सकता है, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो बंदा टाइम में पीछे जाता है या टाइम ट्रैवल करता है, वो उसी टाइम में उलझता जाता है। बहुत ही अजीब मूवी है ये, आपको बहुत पसंद आएगी। अजीब का मेरा मतलब यह है कि मैं इसको समझा नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी कमाल की मूवी है ये। ये इंग्लिश में है, इसलिए अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो आप इसको रहने ही दें देखने को। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसको ज़रूर देखो, आपको बहुत पसंद आएगी मूवी। दोस्तों हमारी फिफ्थ मूवी है टाइम लैप्स, ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक फैंटेसी साइंस फिक्शन मूवी है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कुछ लोग, कुछ दोस्तों को एक मशीन मिलती है, उस मशीन से वो लोग फ्यूचर की फ़ोटोज़ को डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर की फ़ोटोज़ वो लोग उससे देख सकते हैं। पर इसमें दिक्कत ये आती है, जब ये लोग इस मशीन को अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना शुरू करते हैं, तो उनके समक्ष बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और भयानक फ़ोटोएँ आना शुरू हो जाती हैं। तो क्या वो लोग अब उस सिचुएशन से निकल पाएंगे, जिस प्रॉब्लम में उन्होंने अपने आप को डाल लिया है, क्या वो उससे निकल पाएंगे या नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ज़रूर देखिए, कमाल की मूवी है, पर ये इंग्लिश में है, तो अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप इसको हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। दोस्तों हमारी सिक्स्थ मूवी है असैसिन क्रीड, ये मूवी आई थी 2016 में। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कैसे कुछ लोगों के कॉन्शियसनेस को, मतलब चेतना को, दिमाग को टाइम में पीछे भेज दिया जाता है किसी और इंसान के चेतना के साथ, और उसकी वजह से वो लोग ढूंढना चाहते हैं फ्यूज, मतलब पास्ट के एक ज्ञान को, एक अद्भुत ज्ञान को जो अभी से हजारों साल आगे है, उस ज्ञान को वो ढूंढना चाहते हैं पास्ट में जाके। तो क्या वो लोग इस ज्ञान को ढूंढ पाते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी बेस्ड है एक गेम के ऊपर, इसकी गेम कमाल की हिट गेम्स रही हैं, मूवी भी आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर देखिए। दोस्तों हमारी सेवन्थ मूवी है इन द शेडो ऑफ मून, ये मूवी आई थी 2019 में नेटफ्लिक्स पे। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, मैं पहले बता दूं, और ये मूवी कमाल की मूवी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अंदर आपको एक अलग ही लेवल का टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, आपको इतनी पसंद आएगी ये मूवी कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत कमाल की मूवी है, आपको बहुत पसंद आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँ तो होता है, एक पुलिस ऑफिसर को एक लड़की बार बार अलग अलग समय में दिखती रहती है, वो अलग अलग समय में आती है, कुछ लोगों का मार देती है और उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन वो जो ऑफिसर होता है वो उस लड़की के पीछे पड़ जाता है ढूंढने के लिए कि वो उसको ढूंढ के ही रहेगा। तो अब देखना ये है क्या वो उसको ढूंढ पाता है, पकड़ पाता है या नहीं, मूवी कमाल की, आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों हमारी एट्थ मूवी हैगी क्लोवरफील्ड, ये मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे, और ये मूवी इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, पर ये मूवी कमाल की मूवी है। इसके अंदर आपको टाइम ट्रैवल तो देखने को मिलेगा ही, साथ में इसके अंदर आपको दिखेगा मल्टीवर्स। इसके अंदर दिखाया ये गया है कि कुछ क्रू मेंबर्स स्पेस में जाते हैं, मतलब अपने स्पेसशिप के साथ, और वो लोग एनर्जी को जनरेट करना चाहते हैं, मतलब एक क्लीन एनर्जी को जनरेट करना चाहते हैं, जिसकी मदद से जो पृथ्वी पे एनर्जी की हाइट डिमांड है उसको कंट्रोल किया जा सके। पर उसी के चक्कर में जब वो लोग उस एनर्जी को जनरेट कर रहे होते हैं किसी खास डिवाइस की मदद से, तो
तो वो लोग गलती से अपने यूनिवर्स से किसी दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाते हैं। तो अब देखना यह है क्या ये लोग वापस अपने यूनिवर्स में जा पाते हैं या नहीं। मूवी कमाल की है, जरूर देखिए आप इसको। दोस्तों हमारी 9th मूवी है प्राइमर की। मूवी आई थी 2004 में। ये एक ड्रामा और नरेटिव मूवी है, ये आपको बहुत पसंद आई। IMDb पे इसको 6.9 की रेटिंग्स मिली हैं। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि दो दोस्त मिलके एक मशीन को बना रहे होते हैं। वो टाइम ट्रैवल मशीन तो नहीं बना रहे होते, लेकिन गलती से वो टाइम ट्रैवल मशीन बन जाती है और वो लोग उसकी वजह से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। वो शेयर मार्केट को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और उसी की वजह से उनके बहुत सारे रेप्लिकास बन जाते हैं। मतलब एक ही समय पर एक ही जगह पर बहुत सारे सेम लोग होते हैं। वो लोग बार बार ट्रैवल करते हैं, उसी के चक्कर में बहुत सारे रेप्लिकास उस जगह पर बन जाते हैं। तो अब देखना यह है क्या ये लोग इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे या नहीं। आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी, आप इसको जरूर देखिए। बहुत कम बजट की मूवी है, लेकिन मूवी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे बनी, आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। दोस्तों हमारी 10th मूवी है इन टाइम। ये मूवी आई थी 2011 में। ये एक ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले हैं 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पे। आपको मूवी पसंद तो बहुत आएगी क्योंकि ये मूवी कमाल की है और ये मूवी इंग्लिश में है। इस वजह से अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो अगेन ये मूवी आप नहीं देख सकते, आपको हिंदी सबटाइटल देखने पड़ेंगे। दोस्तों मूवी भी अच्छी है, मैंने अभी तक इसको पर्सनली देखा तो नहीं है, लेकिन मूवी अभी भी मुझको रिसर्च के दौरान मिली है, तो अब मैं इसको अवश्य देखूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, जल्द दबा के सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी एक भी नई वीडियो को मिस ना कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।